पिता पुत्र राइफल के साथ गिरफ्तार मामले में कनरिया पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। गिरफ्तार हाकिम यादव की पुत्र बधु ने वरीय अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग सिमरी बख्तियारपुर से ब्रजेश भारती की रिपोर्ट बख्तियारपुर पुलिस सर्किल क्षेत्र के कनरिया पुलिस द्वारा 23 जून को इजराहा टोला में एक घर में छापेमारी कर राइफल व देशी कट्टा के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार करने के मामले में इजराहा निवासी अनिल यादव की पत्नी रूबी देवी ने वरीय अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। रूबी देवी ने कनरिया थाना पुलिस के अपर थानाध्यक्ष शंकर चौधरी पर संगीन आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। रूबी देवी व उसके देवर सुनील यादव ने कहा कि उसके घर से कुछ नहीं बरामद हुआ था, लेकिन पुलिस कहीं से आर्म्स लेकर फंसा दिया। वहीं छापेमारी के क्रम में नकदी व जेवरात भी ले लेने का आरोप लगाया है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कह रही रूबी देवी व सुनील यादव। 2:30 बजे रात के हम सुकाल दिए गेट पर टपरा पहन के चार को खाउट और मुबाना और दरागा और चौकीदार बोला गेट खोल दिया। गेट हम खोल लिए सर तो कल के कि और बोलिए जो थोड़ा पोछा भी लाइए। हम कल के सर की बात छे कौन मामला छे कि कहे छे हमारे पति 3 महीना से जेल में छे अथी जमीन के झंझट में। कहलकै कि नहीं जल्दी चाबी लाइए। हम कहलिए सर चाबी नहीं मिले छे जबरदस्ती हमरा गेट पर से धक्का धुक्का कए कऽ सर निकालि देलकै सर निकलिकै बना रहे सर और सब लोग हम नहीं छिलिए ओकरा आ तब सर की कहलकै सबके कुंडा से ट्रंक और गोदरेज के बक्सा के थकुच के सर और मकई बेच के 1.5 लाख रुपया हमर रहे और 1.5 लाख का गाना जबर रहे सब सर लए कऽ चलि की नाम बला जेना हमर पप्पा हमर छोटा भाई हमर पप्पा सुतल रहे बरंडा पर आ हमे सुतल रहे मचान पर हमर भाई सुतल रहे बरंडा नीचा में चौकी बिछा के ओहि पर सुतल रहे। उन्हें से शंकर चौधरी आरो 2-3 गो फोर्स आ 2-3 गो मुँह बांधने रहे पब्लिक रहे ओकरा हमे नहीं पहचान लिए। ओ सब अयले शंकर चौधरी हमरा कुछ देर उठबे लागले और सब मिलकर सबके घर हुलका देलके फोर्स के और पब्लिक के सबके घर हुलका देलके। हमरा ओ डेरा पर घर के संदूक के कब्जा उखाड़ देलकै फेनो ओहिमे खोजलकै बोरा के डोग में खोजलकै पूरा घर खोजलकै। हमरा तो कुछ नहीं मिललै कुछ सामान ओतय नहीं मिललै। ओकर बाद हमरा तीनों बापू को उठा ललकै उठा के ओतय से लैके चल देलकै लैके चललै लैके चल देलकै सर तब आधा रास्ता गेलै। आधा रास्ता में जाके ओ शंकर चौधरी ओ बड़का सामान निकाल के हमरा देखल देलकै बड़का सामान निकाल के हमरा देखल देलकै कहलकै कि ई तुम्हारा सामान है। कहलिए सर हमें गरीब लोग हमरा ये सब कते हेतै कि ना ये सब झूठ मूठ अहाँ करिए सर लेकर चेक करियो हमरा घर में कुछ मिलल अहाँ कुछ चेक करिए तो वही पर कि कहलकै जे हमरा ओ 1 लाठी मार लेतै। कहलकै साला मुँह बंद करो 1 लाठी मार लेतै हमरा मुँह बंद कै लेलिए ओतय से फैन देने गेलै ओतय हाजत में जाके हमरा तीनों पुत को बंद कै देलकै हाजत में बंद कै देलकै। जेना 2 बजे रात के तब पकड़लकै आ 2:30 बजे रात के तब हमरा फाँड़ी पहुँचलकै 2:30 बजे फाँड़ी पहुँचा के बंद कै देलकै आ तब ओ फैन निकाल के कहै छै तीनों बापूत ने विचार लो। शंकर चौधरी कहै छै तीनों बापूत ने विचार लो हाकिम और सुनील दीपक को तो नहीं छोड़ेंगे इस दोनों में जिसको छुटना है उस विचार करके बोलो किसी एक को 2 लाख रुपया लगेगा किसी एक को हम छोड़ेंगे उसमें से। पहले ठीक छै सर हम विचार लै छियै हमने दोनों बापूत विचार लिए ना तीनों बापूत मिलकर तो कहिए कि हमको पापा को छोड़ दीजिए और हमको भाई को भेजा दीजिए अंदर हम ठीक है हम चले जाएंगे। तो बोला कि आज ठीक है तुम घर फोन करो 2 लाख रुपये की व्यवस्था करो हम छोड़ देंगे। तो हमें महात्मा भजन देना घर फोन के लिए घर जब फोन के लिए तो हमारे भजन देना हमने से आब की लैक अल एक हमें नहीं जानै छियै। ओहिसँ पहिले हमरा सबसे घोस निकालि कऽ नुका फोन लऽ जाए 2 मंजिला पर फोन लऽ जाए मरवामे फोन लऽ जाए पिपर गाछमे आ तकर बाद जाकऽ हमरा छोड़ि देलकै। हमर भगिनीना रूपा ओकरा देलकै कि नहि देलकै ईगो हमे नहि जानै छियै मगर हमरा तखन से छोड़ि देलकै। इतना हमरा साथ घटना भेलै। हमरा घरमे सामान तामान कुछो नहि रहै अलग सामान सटा कऽ हमरा बड़ा बाबू एना जालमे फँसेलकै हन। हमरा किए ऐसन करलकै ई पार्टी केलकै हन पार्टी से रूपा लए कऽ बड़ा बाबू हमरा फँसेलकै हन। की नाम भेलो तोहर? हमर नाम छै सुनील कुमार यादव। घर घर इजरा घर कदुमर टोला इजरा वार्ड नंबर 1।